तो आज के वीडियो में हम कंपेयर करने जा रहे हैं कॉक ब्रांड के चार साउंड वाले पटाखों को, जिसके लिए हमारे पास है कॉक ब्रांड का हाइड्रो ग्रीन, बुलेट, मिनी बुलेट और साथ में स्क्वायर ग्रीन। स्क्वायर ग्रीन की बात करें तो ये सबसे छोटा सुतली बॉम है कॉक ब्रांड का और इसका साउंड ठीक ठाक ही होता है। इसकी MRP की बात करें तो 164 लिखे हैं और मैंने इसे 46 रुपये में ख़रीदा है। प्रोडक्ट है मार्च 2022 का। तो चलिए इसे खोल के दिखाते हैं इसके अंदर के सुतली पटाखे। सो ये रहे इसके अंदर के 10 सुतली पटाखे। चलिए इसे टेस्ट करके दिखाते हैं कैसा चलता है ये। नेक्स्ट हमारे पास कॉक ब्रांड का मिनी बुलेट। ये छोटे साइज का साउंड वाला पटाखा है और आवाज़ इसका भी ठीक ठाक ही होता है। इसकी प्राइसिंग की बात करें तो 78 रुपये लिखे हैं और मैंने इसे 27 रुपये में लिया है। प्रोडक्ट है जनवरी 2022 का। तो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं। तो ये रहे इसके अंदर के 10 छोटे छोटे मिनी बुलेट्स। तो चलिए इसे टेस्ट करके दिखाते हैं कैसा चलता है ये। और ये रहा कॉक ब्रांड का बुलेट। ये काफ़ी लोगों का फेवरेट है और हमारा भी रह चुका है। इसका साउंड भी काफ़ी अच्छा होता है और इसकी प्राइसिंग की बात करें तो 105 रुपये लिखे हैं और मैंने इसे 37 रुपये में लिया है। प्रोडक्ट है जनवरी 2022 का। तो चलिए इसे खोलते हैं। सो ये रहे इसके अंदर के बुलेट्स। मिनी बुलेट से कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट डबल है साइज में। तो चलिए इसे टेस्ट करके दिखाते हैं कैसा चलता है ये। एंड ये रहा कॉक ब्रांड का हाइड्रो ग्रीन। ये कॉक ब्रांड का मीडियम साइज़ का सुतली पटाखा है और काफ़ी फेमस भी है, ज़्यादातर लोग इसे खरीदते हैं। इसकी MRP की बात करें तो 228 लिखे हैं और मैंने इसे 60 रुपये में लिया है। प्रोडक्ट है जून 2022 का। तो चलिए इसे खोलते हैं और दिखाते हैं इसके अंदर के सुतली पटाखे। सो ये रहे इसके अंदर के सुतली पटाखे और जैसा कि आप देख सकते हैं छोटे वाले स्क्वायर ग्रीन से ही काफ़ी बड़े साइज के हैं। तो चलिए अभी टेस्ट करके दिखाते हैं इनका आवाज़ कैसा है। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, हमारे पहले तीन पटाखे तो काफ़ी अच्छे चले, लेकिन हाइड्रो ग्रीन पता नहीं क्यों सही से नहीं चला। आई थिंक इसके फ्यूज़ में कुछ इशू था। तो लास्ट में मैंने दूसरा फ्यूज़ लगाया तो फिर ये चला सही से, लेकिन फिर भी साउंड उतनी अच्छी थी नहीं। तो चलिए अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।